वक्त आगे बढ़ते हैं और दूसरे टेक्निकल एक्सपर्ट भी हमारे साथ बने हुए हैं. हमारे साथ प्रशांत सावंत भी हैं, उनसे भी एक बार बैंक निफ्टी पर नजरिया ले लेते हैं. प्रशांत, जो लगातार हम देख रहे हैं, दो दिन से तेजी बनी हुई है. इनफैक्ट कल जिस तरह से टर्न अराउंड हुआ, लेकिन बैंक निफ्टी ने इतना खास पार्टिसिपेट नहीं किया है. आप किस तरह की पोजिशन देख रहे हैं, कैसे ओपन इंटरेस्ट, कौन कौन सी कॉल्स या पुट्स आप यहाँ पर हाईलाइट करना चाहेंगे जो स्ट्रेंथन करे ये थॉट कि बैंक निफ्टी भी अब प्रिपेयर्ड हो चुका है. डिम्पी इज वेरी क्लियर कि बेस बन रहा है, लेकिन क्या ये तेजी इसी एक्सपायरी में दिख पाएगी? प्रियंका, डिप्टी, गुड मॉर्निंग, सभी दर्शकों को नमस्कार. और जहां तक मैं देख रहा हूँ, दोनों को अगर मैं कंपेयर करूँ, एप्पल टू एप्पल, निफ्टी और बैंक निफ्टी को, निफ्टी ने एक बहुत स्लो स्टेडी डाउन ट्रेंड दिया हुआ है, जहां पे हर रैली अच्छे से सेल हो रही है और एक नया लो बनते जा रहा है. उसी के सामने मैं जब बैंक निफ्टी को देखूं तो उसने एक स्टीप फॉल दिया है और वहां से रैली आई है. दोनों ही चार्ट्स में एक दिन मुझे बहुत इंपॉर्टेंट दिखाई दे रहा है, वो है 13 दिसंबर का दिन. उस दिन का जो हाई बैंक निफ्टी और निफ्टी पे बना है, मैं एक बहुत बेसिक राय सभी को देना चाहूंगा, जब तक हम उसके ऊपर क्लोज नहीं देते, हम न्यू हाई या तेजी की बात ना करें तो बेटर होगा. इसकी वजह क्या है कि ट्रेडिंग, इन्वेस्टिंग, ये साइकोलॉजी से बहुत रिलेटेड होता है. तो जब भी हम कहते हैं कि आप तेजी आएगी, हम सिर्फ लॉन्ग की तरफ देखते हैं, बट अगर हम इस एक दिन के हाई को नोटिस करें 13 दिसंबर के, आपको दिख जाएगा यहां से सबसे मेजर सेलिंग आई है, यहां से लोअर टॉप्स बनते गए. तो एक बार हम उसके ऊपर क्लोज दे, यानी हम हायर टॉप्स बना रहे, तब डेफिनेटली हम ऊपर जाने की बात कर सकते हैं. अभी बैंक निफ्टी में मुझे क्या दिखाई दे रहा है, तो एक बहुत बड़ा गैप, यानी एक रेजिस्टेंस मुझे दिखाई दे रहा है करीबन 35,750 से लेके 35,000 के बीच में, 35,200 के बीच में. तो अभी जो रैली आएगी करीबन 35,500, 35,300, 35,400, वो रैली मैं ट्रस्ट नहीं करना चाहूंगा जब तक हम 36,000 के ऊपर क्लोज ना करें. मैं इसके ऊपर भी 100 पॉइंट दूंगा, 36,100 के ऊपर जब तक हम क्लोज ना करें, मैं बैंक निफ्टी में कोई लॉन्ग नहीं बनाना चाहूंगा. और अगर मुझे कोई ट्रेड करना हो तो मैं वेट करूंगा कि कल का लो ब्रेक हो जाए, यानी करीबन 35,000 जो है, मैं दिसंबर फ्यूचर्स की बात कर रहा हूँ, एक बार ये ब्रेक हो जाए तो मैं एट द मनी पुट, यानी 35,000 की जो पुट होगी उसमें पोजिशन लेना चाहूंगा. और मैं स्टॉप लॉस लगूंगा 50% ऑफ द प्रीमियम, यानी उस वक्त जो प्रीमियम चल रहा होगा उसका 50% में स्टॉप लॉस रखूंगा और मैं होल्ड करूंगा फॉर अ टारगेट इन फ्यूचर्स ऑफ 34,600, यानी करीबन 3-400 पॉइंट की तुरंत फॉल मुझे दिख सकती है, तो ये पुट डबल से 3 गुना जा सकता है. तो मेरी राय सेल ऑन रैली ही होगी बैंक निफ्टी में. और स्टॉक स्पेसिफिक मुझे लग रहा है ICICI बैंक एक बहुत अच्छा बेस बना रहा है, HDFC बैंक भी एक बहुत अच्छा बेस बना रहा है, इनमें हम निवेश कर सकते हैं SIP की तरह. यहाँ से एक अच्छी रैली जब आए तो ये दोनों फ्रंट रनर्स होंगे बैंक निफ्टी के लिए. बट इंडेक्स स्पेसिफिक में बात करूं, मैं पर्सनली लॉन्ग पोजीशंस नहीं रखना चाहूंगा. 200 दिनों की EMA के नीचे हम चल रहे हैं, तो यहाँ पे जो रैली आएगी डेफिनेटली ये रैली और ये गैप बहुत बड़ा रेजिस्टेंस है, उसके ऊपर हमें ध्यान रखना चाहिए. एक ट्रेडिंग में कहावत होती है, ट्रेड व्हाट यू सी नॉट व्हाट यू फील. तो अगर मुझे मन में लगे कि रैली आ रही है इसलिए मैं लॉन्ग्स नहीं लूंगा, मैं वेट करूंगा इस गैप को क्लोज होने के लिए, उसी के बाद में लॉन्ग्स के बारे में सोचूंगा. ओके, प्रशांत आपसे भी जानना चाहेंगे, आपकी भी नजर क्या बड़े लार्ज कैप स्टॉक्स पर होगी या फिर आपके लिस्ट में कुछ मिड कैप और स्मॉल कैप काउंटर्स हैं? जी, मेरे लिस्ट में फिलहाल मिड और स्मॉल कैप्स हैं, एक फार्मा से लार्ज कैप, उसके बारे में बात करूंगा. बट उसके पहले एक छोटा सा अपडेट देना चाहूंगा. पिछले हफ्ते की शुरुआत में मॉर्निंग शो में एक स्टॉक के बारे में बात की थी, वो था MOSChip, MOSChip जिसे कहते हैं, करीबन 60-62 की लेवल पे मैंने बाय रेकमेंड किया हुआ था. वो एक हफ्ते में 7 दिनों में करीबन 50% का रिटर्न देके 95 हो चुका है. तो इसमें एक बहुत अच्छी मूव आई है. ऐसे वक्त ही होता है कि हम थोड़े से लालच में आ जाते हैं, तो मेरी एक रिकमेंडेशन होगी कि इसमें आप 50% प्रॉफिट बुक कर लो, आपकी इन्वेस्टमेंट आउट हो जाएगी, या 50% आप होल्ड कर सकते हो. और रही बात आज की, तो जो स्टॉक्स मुझे अच्छे लग रहे हैं, एक स्टॉक जो अच्छा बेस बना चुका है वो मुझे लग रहा है किर्लोस्कर ऑयल इंजन है, और मैं उसको लेना चाहूंगा 175 से 180 के रेंज में मैं बाय करना चाहूंगा और इसमें निवेश करना चाहूंगा मैं विद स्टॉप लॉस ऑफ 145. और इसमें मुझे टारगेट्स लग रहे हैं क्योंकि इसकी बेस बन चुकी है, 250 का फर्स्ट टारगेट यानी 250, बट इसके ऊपर ये एक बहुत बड़ी रैली देखिए करीबन 400 तक भी जा सकता है. तो मुझे ये 222 के लिए, 2022 के लिए एक बहुत अच्छा स्टॉक लग रहा है इन्वेस्ट करने के लिए. सेकेंड पिक मेरा होगा 63 Moons, यानी जो फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी FT जिसे कहा जाता है. तो ये स्टॉक एक बहुत अच्छी वॉल्यूम के साथ राइज हो रहा है, तो इसको मैं एक स्टॉप लॉस रखना चाहूंगा 165 का और इसमें मैं इन्वेस्ट करना चाहूंगा. इसके बाद जो स्टॉक मुझे लग रहा है वो है पेनार इंडस्ट्रीज. इसमें एक गैप थी 34.5-34 के बीच, ये गैप पर क्लोज हो चुकी है, तो इसमें मैं बाय करना चाहूंगा विद अ स्टॉप लॉस ऑफ 24 फॉर अ टारगेट ऑफ 55. और जो आखिरी पिक मेरी होगी वो BSE पे लिस्टेड स्टॉक है,
लक्ष्मी इलेक्ट्रिकल कंट्रोल सिस्टम्स करीबन 700-750 की रेंज में ही चल रहा है, 730 की रेंज में इसको हम बाय कर सकते हैं। अगर हमें ये, मुझे लग रहा है ये थोड़ा 680-675 के नजदीक आए तो ये बाय करना बहुत बेहतर रहेगा। इसने एक अच्छा ब्रेकआउट दिया हुआ है जिसको ये थोड़ा रिटेस्ट कर सकता है। स्टॉप लॉस हम रखेंगे 600 का और टारगेट रखेंगे 925 का। तो मुझे इन मिड टू स्मॉल कैप स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने के लिए बहुत अच्छा लग रहा है। इनके साथ जो आखिरी स्टॉक मेरा लार्ज कैप पिक होगा फार्मा सेक्टर में वो होगा डिवीज लैब, मुझे वो बहुत स्ट्रांग लग रहा है तो उसमें भी निवेश किया जा सकता है। डिवीज लैब का टारगेट तो बताओ सर, टारगेट और स्टॉप लॉस। जी डिवीज लैब करीबन 4,500-4,525 के रेंज में चल रहा है, इसको हम इस रेंज में खरीद सकते हैं। स्टॉप लॉस हम रखेंगे 4,400 का, एक पोजिशनल स्टॉप लॉस रखेंगे, टारगेट हम इसमें रखेंगे 4,800 का। तो एक रिस्क रिवॉर्ड बहुत अच्छा लग रहा है मुझे और ये स्टॉक अच्छे से पिकअप हो सकता है। फार्मा एक ऐसा सेक्टर है जिसने बेस बनाया हुआ है, उछाल के लिए वेट कर रहा है, तो मैं उसमें से डिवीज लैब को चुनना चाहूंगा। ठीक है, आपने डिवीज लैब बताया 4,800 का टारगेट है, 4,400 का स्टॉप लॉस है, प्लेट बन के आ जाएगी। ठीक है, एक पेनार का स्टॉप लॉस और टारगेट और बताओ सर, पेनार इंडस्ट्रीज का जल्दी से बताना, स्टॉप लॉस और टारगेट ही बताओ। 24 रखेंगे और टारगेट रखेंगे 55 का, 55 का टारगेट, 55 का स्टॉप लॉस कितना? 24 रुपए का, बड़ा टारगेट, बड़ा स्टॉप लॉस देते हो आप। 55 रुपए का टारगेट है और 24 रुपए का स्टॉप लॉस है, पेनार इंडस्ट्रीज है। डिवीज लैब आपने नोट कर लिया होगा, इससे पहले किलोस्कर ऑयल की प्लेट भी दिखा दीजिएगा और साथ ही ये लक्ष्मी इलेक्ट्रिकल जिसमें 925 रुपए का टारगेट है, ये भी आप अच्छे से नोट कर लीजिएगा। सब ट्रेड अच्छे से नोट करो, आप ट्रेडिंग स्टॉप लॉस अच्छे से फॉलो करो, मार्केट के अंदर कोई खास दिक्कत आनी नहीं चाहिए। आगे बढ़ते हैं, SBI कार्ड्स पे ना नीचे आप देख पा रहे हैं मॉर्गन स्टैनली ने एक रिपोर्ट दी है और वो कह रहे हैं कि अब ये 1,200-1,300 का हो जाएगा। प्रशांत जी एक बार जरा SBI कार्ड के चार्ट्स निकालिए और जरा देखिए, ये जो रिपोर्ट्स होती हैं थोड़ा लंबे अवधि के हिसाब से होती हैं, ये तो अपना बात बोलेंगे ही, आप बताइए मान लीजिए मेरे को अभी खरीदना हो तो मैं खरीद सकता हूँ क्या SBI कार्ड्स? एक बेस फॉर्मेशन इसका जिसे कहते हैं हो चुका है, तो अगर हम इन्वेस्टमेंट पर्सपेक्टिव से लेना चाहते हैं तो डेफिनेटली हम शुरुआत कर सकते हैं। एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस हमें मेंटेन करना होगा और वो स्टॉप लॉस होगा 865 का, इसलिए मैं थोड़ा सा वेट करूंगा कि मुझे ये जितना 900 के करीब मिले उतना बेहतर होगा। और जहां तक ट्रेडिंग की बात है, शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग की बात है, तो इसमें मैं कोई भी लॉन्ग कॉल देना नहीं चाहूंगा, बट फ्रॉम अ पोर्टफोलियो पर्सपेक्टिव बाइंग के लिए ये प्राइस बहुत अच्छी है। बिल्कुल, तो SBI कार्ड्स पर ये रहेगी प्रशांत की राय। साथ ही कुछ और स्टॉक्स पर भी आज बात कर लेते हैं क्योंकि हम देख रहे हैं कि लगातार IT और फार्मा ये परफॉर्म कर रहे हैं, यानी तीन सेक्टर्स जिन पर आपको नजर रखनी होगी। बैंकिंग जो परफॉर्म नहीं कर रहा, IT परफॉर्म कर रहा और फार्मा परफॉर्म कर रहा है, इन पर क्या आगे भी स्ट्रैटेजी होनी चाहिए? प्रशांत, फार्मा स्टॉक्स हमने देखा कि अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं और क्योंकि कोविड रिलेटेड जब तक न्यूज हावी होती है बाजारों पर, हॉस्पिटल, फार्मा, डायग्नोस्टिक, इनमें एक अच्छी बस हमेशा रहती है। इस स्पेस में आपकी प्रेफर्ड पिक कौन सी रहेगी? अच्छा प्रियंका, एक तो मैंने डिवीज लैब के बारे में बात की हुई है, एक दूसरा स्टॉक जो ब्रेकआउट के काफी नजदीक आ रहा है, बहुत कोशिश कर रहा है, बेस बना चुका है, वो स्टॉक है डॉक्टर रेड्डी। और मुझे लग रहा है कि ये स्टॉक करीबन 4,750 तक चल रहा है, इसको थोड़ा आप रडार पे रखिए, जल्दबाजी मत कीजिए। और अगर ये 4,850 के ऊपर यानी यहां से 2% चल जाए उसके बाद इसमें निवेश कीजिए, ये बहुत स्ट्रॉन्ग मोमेंटम दे सकता है। इस स्टॉक की एक खासियत है, ये जब चलता है तो 7-8-10% मूव ऐसे ही दे देता है, तो हम इसको 4,850 के ऊपर खरीदेंगे और स्टॉप लॉस रखेंगे 4,775 का। टारगेट हम तब रखेंगे इसका 5,100 से लेके 5,200 तक का, ये बहुत स्ट्रॉन्ग मोमेंटम में जा सकता है, तो इसे डेफिनेटली वॉच लिस्ट में रखना चाहिए। तो करंट पिक जैसा मैंने कुछ देर पहले कहा था, डिवीज लैब और स्टॉक ऑन रडार फार्मा सेक्टर में होगा मेरी तरफ से डॉक्टर रेड्डी। तो डॉक्टर रेड्डीज टॉप लिस्ट पर होगा। एक इंडो एमाइंस नाम की कंपनी है, इसका भी शेयर का विभाजन हो रहा है, 2 शेयरों पे होगा, अब 1 शेयर बन जाएगा। जरा इंडो एमाइन प्रशांत जी आप चेक कीजिए, इंडो एमाइन INDOAMINES, ये शेयर मुझे लग रहा है करीबन 220-221 चल रहा है, बट अगर मैं इसको जस्ट एक टेक्निकल चार्ट की तरह देखूं तो मुझे एक बहुत बड़ा गैप दिखाई देता है डेली चार्ट में और वो गैप क्रॉस करना आसान नहीं होगा। वो 240 का जो रेजिस्टेंस है वो मुझे बहुत स्ट्रांग लग रहा है, तो इसमें मैं कोई लॉन्ग खबरों के बेसिस पे कोई लॉन्ग जाने की सलाह नहीं दूंगा। मैं कहूंगा वेट कीजिए, ये 220-225 चल रहा है, ये अगर 250 के ऊपर क्लोजिंग दे दे और इस बेरिश गैप को क्लोज कर दे तो ही इसमें निवेश करने के बारे में मैं पर्सनली सोचूंगा या सलाह दूंगा। इसके अलावा ना सरकार ने PLI स्कीम को मंजूरी दी थी और उसके डेट शुरू हो गई है, 1 से 31 जनवरी 2022 तक ये
एप्लीकेशन की विंडो खुली रहेगी। एक बार जरा सेंचुरी टेक्सटाइल देखना प्रशांत जी, सेंचुरी टेक्सटाइल डीबी जी, ये जो पूरा सेक्टर है काफी अच्छा मुझे लग रहा है। सेंचुरी टेक्सटाइल बहुत ही अच्छा, जैसे कि आपने कहा बिल्कुल एक अच्छे सपोर्ट पे आया हुआ है, रैली अच्छी लग रही है, यहाँ की रैली की शुरुआत हो सकती है ऐसा लग रहा है मुझे। इस ब्रेकआउट को मैं ट्रस्ट करना चाहूंगा क्योंकि ये वॉल्यूम के साथ हुआ है, तो इसमें डेफिनेटली हम लॉन्ग जा सकते हैं। एक स्टॉप लॉस हमें मेंटेन करना होगा 875 का, 875 870 तक रखो तो भी चलेगा। फर्स्ट टारगेट हम अक्सर रखेंगे जो प्रीवियस हाई बनाता है, यानी 1000 का, बट मुझे लग रहा है इस बार ये स्टॉक अगर पिकअप हो जाए इस वॉल्यूम के साथ कि प्रीवियस हाई को क्रॉस करके 1100 तक के लेवल्स भी दिखा सकता है, तो ये डेफिनेटली अच्छा पिक होगा। बॉक्स ब्रेकआउट है तो उतनी डेप्थ भी अगर रेप्लिकेट हो जाए, यानी जो उतनी जो डेप्थ हुई थी वो अगर ऊपर की तरफ आ जाए तो भी हम 1100-1100 के रेंज में पहुंच ही जाएंगे। ठीक है, बिल्कुल। तो ये राय रहेगी सेंचुरी टेक्सटाइल पर, तो आज टेक्सटाइल स्पेस पर भी फोकस होगा। यहाँ पर भी क्योंकि पीएलआई स्कीम को मंजूरी पहले ही मिल गई थी, लेकिन अब इसका जो विंडो है वो ओपन हो चुका है जहाँ अप्लाई कर सकती है कंपनियां। एक बार प्रशांत आपकी राय जानना चाहेंगे, रियल एस्टेट स्टॉक्स पर भी हम देख रहे हैं कि अच्छा मोमेंटम वहां पर भी बना हुआ है, और आज ब्रोकरेज हाउस की भी रिपोर्ट्स जो निकल कर आ रही हैं उनका कहना है कि जो आने वाला साल है वो रियल एस्टेट स्टॉक्स के लिए रह सकता है। आपका क्या व्यू बन रहा है, और स्पेस में कोई एक स्टॉक है जो आपको आज के लिए अच्छा लग रहा है ट्रेड करने के लिहाज से? जी पूजा, मेरे हिसाब से मैं जो ट्रैक कर रहा हूँ डीएलएफ को ट्रैक कर रहा हूँ, ये एक थोड़ा सा रेजिस्टेंस पे अटका हुआ है जो कि करीबन 400 के रेंज में है, और ये स्टॉक डेफिनेटली मैं आज के हिसाब से नहीं बट एक मीडियम टर्म टू शॉर्ट टर्म के हिसाब से, यानी अगले 10 से 15 दिनों के लिए मैं ट्रैक कर रहा हूँ। ये 385 चल रहा है, अगर ये 400 के ऊपर निकल जाए तो मुझे ये बहुत अच्छा लग रहा है, और क्विक टारगेट ऑफ 450, और तब मैं स्टॉप लॉस रखना चाहूंगा 385 का, यानी 385। तो इस सेक्टर में मुझे डीएलएफ बहुत स्ट्रांग लग रहा है, बेस बन चुका है, और बस एक थोड़ी देर के लिए मैं वेट करूंगा कि 400 के ऊपर निकल जाए, पोजीशन इसमें ली जा सकती है। ठीक है, आज मार्केट्स में जो गैप अप होता है ना, एक तो वो नहीं है, गैप डाउन वाली सिचुएशन नहीं है, ये कई दिनों के बाद हो रही है, पहला पॉइंट। एक भी शेयर ऐसा नहीं है जो कि 1% ऊपर हो या फिर 1% नीचे हो। मेरी स्क्रीन पे जो निफ्टी 500 का भी शेयर है उसमें जो 1% ऊपर है, यानी करीब करीब 1% ऊपर है, वो है अरविंदो फार्मा, और जो सबसे ज्यादा गिरावट वाला शेयर है वो है एनएमडीसी, जिसकी क्वार्टरली परसेंट गिरावट से थोड़ी ज्यादा है 0.75%। यानी कि आज ज्यादातर शेयर आपको फ्लैट मिलने वाले हैं, तो आज लेवल फील्ड अच्छा है, आज यहाँ पे आपको गैप ज्यादा नहीं मिल रहा। इसके अलावा 2-3 शेयर और हैं जो कि इंटरेस्टिंग है, जहां पर आज अच्छी बढ़त के साथ ओपनिंग हो रही है, उसमें श्रीराम सिटी 2.5%, ये कैश वाला सेगमेंट, अमर राजा बैटरी 1.5%। ये अमर राजा बैटरी प्रशांत जी जरा चेक कीजिए, जरा जल्दी से बताइए इसमें क्या करना है। ये स्टॉक अगर मैं पूरे साल भर में देखूं, करीबन पिछले 3-4 महीनों में, तो ये कंटिन्यूअस लोअर टॉप्स लोअर बॉटम बनाते जा रहा था, अब मुझे लग रहा है कि इसने एक बेस बना दिया है। तो मैं इसमें फ्रॉम एन इन्वेस्टमेंट पर्सपेक्टिव, एक पोर्टफोलियो के हिसाब से अगर देखूं तो इसमें हम पोजीशन बना सकते हैं, और जो सेलिंग इसमें हुई थी कुछ दिनों पहले वो रिजेक्ट हुई है, उसी को मैं स्टॉप लॉस रखना चाहूंगा, यानी 580 के स्टॉप लॉस से मैं लेना चाहूंगा। मुझे ये 600 और 620 के रेंज में लेने के लिए अच्छा लग रहा है, 580 का स्टॉप लॉस स्ट्रिक्टली मेंटेन करेंगे, क्योंकि अगर ये इसकी डाउन ट्रेंड रिज्यूम करें तो हमें यहां से निकल जाना होगा, और यहाँ अगर बेस बन जाए 580 का स्टॉप लॉस ट्रिगर ना हो तो हम इसमें टारगेट्स डेफिनेटली रख सकते हैं। फर्स्ट टारगेट होगा 665 का, 665, और इसके ऊपर ये ब्रेकआउट देके सीधा 720-725 तक के टारगेट भी देख सकता है, तो ये रिस्क रिवॉर्ड बहुत अच्छा है क्योंकि ये बेस की तरफ है, तो इसमें हम निवेश कर सकते हैं।